नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A33 2020 वर्सेस Micro Max in 1 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A33 2020 में 6.45 इंच जबकि Micro Max in 1 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A33 2020 में 2.96 इंच जबकि Micro Max in 1 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A33 2020 में 0.33 इंच जबकि Micro Max in 1 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 33/2020 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A33 2020 में 186 ग्राम जबकि Micro Max in 1 में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 33/2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A33 2020 में 6.5 इंचेस जबकि Micro Max in 1 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A33 2020 में 720x1600 और Micro Max in 1 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A33 2020 में 82.87% जबकि Micro Max in 1 में 84.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A33 2020 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Micro Max in 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 33/2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Micro Max in 1 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A33 2020 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Micro Max in 1 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A33 2020 में Adreno 610 जबकि Micro Max in 1 में Mali-G 52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A33 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और Micro Max in 1 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो A33 2020 में 3GB की RAM मिलती है जबकि Micro Max in 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A33 2020 में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Micro Max in 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
A33 2020 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹9,990 में मिल जाता है। वही अगर बात करें माइक्रोमैक्स इन वन की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,870, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹11,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A33 2020 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें माइक्रोमैक्स इन वन की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में माइक्रोमैक्स इन वन आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में माइक्रोमैक्स इन वन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Vivo Y20 है, तीसरा Oppo A54 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।